नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन, आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज भोरे भोरे सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों की जान जा रही है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार सच बोलने वाले अफसरों को हटा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 3 अगस्त से विधानसभा का सत्र चालू है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता की परेशानियों को लेकर लड़े। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद और विपक्ष मिलकर बिहार की मजदूर जनता की आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करेगी और फेल हो चुके बिहार के सिस्टम से जवाब मांगेगी। बिहार में कोरोना से बेकाबू हालात के बाद अब सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। अब बिहार के सभी अनुमंडल अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कराने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शीघ्र ही इन अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था करने में स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। बीमार चल रहे विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की मौत हो गई है। MLC की मौत पर CM नीतीश ने शोक जताया है। अपनी शोक संवेदना में CM नीतीश ने कहा है कि एक बेहतर राजनेता को हमने खो दिया। CM ने तत्काल विधान परिषद के बेटे से फोन पर बात की और उन्हें संतावना दिया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी और NDA शासित प्रदेशों में कोरोना से बचाव को लेकर कारगर कदम नहीं उठाए जाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति नाजुक है और राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अस्पताल वार्ड में लवारिस सौ का परे होना बिहार सरकार के सुशासन का पर्दाफाश करता है। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण शुरू होने की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि मंदिर के निर्माण के लिए गया के फल्गु नदी के बालू का प्रयोग किया जाएगा। बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस सूचना पर हर्ष व्यक्त किया है। पटना में ऐसे बाइक चोर गिरोह का पता चला है जो बाइक की चोरी कर कम दामों में हाजीपुर में सामान निकालकर बेच दिया करते हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के मंदिर में चोरों ने एक बुलेट बाइक चोरी की थी। लॉकडाउन की अवधि में सभी जिला परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लंबित मामलों को निपटाया जाएगा। जिन जिलों में सबसे अधिक लंबित मामले पाए जाएंगे, उन जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं MVI पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है, सभी बिहार में किसी तरह चुनाव कराकर फिर से जाति पाति के नाम पर सत्ता में कैसे आया जाए उसके जुगत में लगे हुए हैं। चुनाव के कारण बिहार सरकार ने कोरोना जांच बंद कर दिया ताकि पॉजिटिव केस पता नहीं चल सके और चुनाव करा सके।